Hello friends, good morning. Today the topic is the number system, 9 items. Do you all know about our numbers? Yes, 1, 2, 3, 4 and 4 the continuous order number. Number we include as your natural whole number, but we cannot read about this type of thing. We have read about the how to we write our numbers. Numbers mein hum apni place value aur unki place value inke bare mein identify karenge, but first numbers ko likhte time hum three methods ka use karte hain. Indian system, international system and हमारा रोमन नंबर. रोमन नंबर में जनरली हम अपने क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं. इंडियन सिस्टम अपनी रुपीज करेंसी को कैलकुलेट करते हैं, बट यही हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो वहाँ हमारी करेंसी को भी इंटरनेशनल सिस्टम में फॉलो करते हैं. अब इंडियन सिस्टम में हमारी बात करते हैं, हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं. तो प्लेस वैल्यू में दो चीज़ होती है, पीरियड. पीरियड यानी कि कहाँ कोमा मार्क किया जाता है पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, और प्लेस वैल्यू वो किस प्लेस पर ओरिएंटेड है. लाइक हम हमारे जो प्लेस नंबर हमेशा बैक साइड से लिखे जाते हैं. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लेख, टेन लैख, करोड़ एंड टेन करोड़. सो इनमें से वंस, टेंस, हंड्रेड इन तीनों का जो पीरियड मार्क किया जाता है वो वंस, यानी कि हम यहाँ पर क्या मार्क करेंगे, कोमा मार्क करेंगे. थाउजेंड, टेन थाउजेंड ये दोनों मिलकर पीरियड कंटिन्यू करता है, जिसको कहते हैं थाउजेंड. लेख, टेन लैख, दैट इज द लेख. करोड़, टेन करोड़, दैट इज द करोड़. ना हम एक चार्ट अगर इंटरनेशनल में पढ़ना चाहें तो इंटरनेशनल में किस तरह से पढ़ा जाएगा. वर्स, टेंस, हंड्रेड सेम होता है, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड ऑप्शन. यहाँ पर थाउजेंड के तीन, थाउजेंड पीरियड के तीन प्लेस वैल्यू होती है, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड. फिर हमारा आता है मिलियन का पीरियड, जिसमें हम मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन. मिलियन के आगे कंटिन्यू हमारे बिलियन आता है, जिसको मिलियन, टेन बिलियन, हंड्रेड बिलियन. जनरली जितने भी रिचेस्ट पर्सन होते हैं उनकी जो इनकम काउंट भी आती है वो भी हम मिलियंस में कैलकुलेट करते हैं. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ आपको. ये एक नंबर लिखा है मैंने. फर्स्ट हम इसकी बात करते हैं इंडियन सिस्टम के अंदर. इंडियन सिस्टम में जनरली हम इसको यूज़ करेंगे, पीरियड मार्क करेंगे. वंस, टेंस, हंड्रेड मार्क द पीरियड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड मार्क द पीरियड, लेख, टेन लैख मार्क द पीरियड एंड करोड़. तो हम इसको वर्ड्स में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वन करोड़ पीरियड मार्क हो जाएगा. देन ट्वेंटी थ्री लैख, थर्टी थ्री लेख, फोर्टी एट थाउजेंड, फोर्टी एट थाउजेंड, मार्क्स ऑफ थ्री लेख. नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सेवन हंड्रेड सिक्सटी फाइव, सेवन हंड्रेड डैश टू ट्वेंटी थ्री लेख, ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट आता है हमारा फोर्टी एट थाउजेंड, फोर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फाइव. हमने लिखा हमारा इंडियन सिस्टम. अगर यही मैं इंटरनेशनल सिस्टम की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो पीरियड मार्क होगा इसी के अंदर आपको बता देती हूँ. वंस, टेंस, हंड्रेड यहाँ पीरियड मार्क होगा, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड यहाँ पीरियड मार्क होगा, मिलियन और टेन मिलियन. तो इसको हम लिखेंगे ट्वेल्व मिलियन, पीरियड मार्क हो जाएगा थ्री हंड्रेड फोर्टी एट थाउजेंड, थ्री हंड्रेड
नेक्स्ट आएगा हमारा 765 आप एक चीज क्लियर हूँ यहाँ पर
जो डिजिट वो एग्जैक्टली दिखता है, ट्रैकिंग फेस के लिए हो जाएगी 5। अब हम यहाँ पर नंबर को कंपेयर करते हैं, 7865 7866। फर्स्ट आप ये देखना है कि यहाँ पर कितने डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर, हियर ऑल्सो 4 डिजिट नंबर। सो व्हाट आर सेंस, इफ यहाँ 4 डिजिट नंबर था, यहाँ 5 डिजिट नंबर था, तो ऑब्वियसली 5 डिजिट नंबर इज द ग्रेटर देन इज द 4 डिजिट नंबर। यहाँ 7 है, यहाँ 7, बहुत नंबर आ सेम, यानी कि 7000 सेम हो गया। नेक्स्ट डिजिट के डिस्कस करते हैं, 8, यहाँ 8, यहाँ भी 8 है, ये भी सिमिलर है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। हम फिर नेक्स्ट नंबर लेंगे 6 और 6, बहुत आर अगेन सेम, वी कांट आइडेंटिफाई ना 5 एंड 6, तो 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो ओवरऑल दिस नंबर डिजिट आर द ग्रेटर देन 7866 इज ग्रेटर देन टू 7865। हाउ वी द फॉर्म द नंबर द गिवन डिजिट नंबर एंड द कंडीशन इज डेट कि नंबर कैन नॉट बी रिपीटेड, नंबर को हमें क्या करना है, रिपीट नहीं करना। वी हैव गिवन द 5 6 7 8 9 एंड एग्जामिनर सेज राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। सो इट इज सो सिंपल, इफ यू राइट द ग्रेटेस्ट नंबर यूज द डिसेंडिंग ऑर्डर, इफ यू राइट द स्मॉलेस्ट नंबर यू यूज द असेंडिंग ऑर्डर। इन सेंस ग्रेटेस्ट नंबर को जब फाइंड करना, इसमें सबसे ग्रेटर नंबर 9, तो 9 लिख दिया, देन क्या आ गया 8, देन यू राइट द 8, 760 फर्स्ट ग्रेटर नंबर क्या आ गया 9 लिख दिया, फिर आ जाएगा 8, उससे स्मॉलेस्ट नंबर 7 6 5। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते तो हम असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़े लिखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 5 6 7 8 और 9। सिमिलर एक एग्जांपल और दे देते हैं आपको, मैं यहाँ पर अगर कहीं मेंशन कर दिया हो तो जीरो को किस तरह से आपको सोल्व करना है वो चीज़ आपको बता देती हूँ मैं। जैसे यहाँ पर अगर मुझे डिजिट में नंबर दे दिया 1 2 3 एंड 0, मुझे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट बनाना है, तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, वही सबसे बड़ा नंबर लिया जाएगा 3, इससे छोटा 2, फिर 1 एंड 0, यह तो सोल्व हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करा जाता है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखा जाता है सबसे छोटा नंबर 0, बट वी कांट राइट द 0 बिकॉज 100 को अगर हम 3 डिजिट नंबर 1 2 3, अगर मैं 1 0 आगे की तरफ लिख देती हूँ तो हाँ मेरे पास कितना हो जाता है 10, यहाँ नंबर और डिजिट क्या हो जाता है लेस होता है क्योंकि आगे वाले 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर हम 0 मार्क करेंगे, फिर हम कंटिन्यू आगे 2 एंड 3 लिखेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा हो जाएगा 1023, ग्रेटेस्ट नंबर 210। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक बेल आइकन शो किया हुआ है उसे प्रेस करें, और मेरे साथ इस ब्रेन वीटा चैनल से जुड़े रहिए, और नई वीडियो की अपडेशन के साथ कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू।